आपको बताते चलें कि 29 दिसंबर को फिरोजाबाद के सिरसागंज में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का एक शक्ति संवाद महिलाओं के साथ कार्यक्रम था। वह वहां पहुंची थी, उससे पहले वह रास्ते में मक्खनपुर स्थित गांव तुर्किया में एक दलित महिला सितारा देवी के घर पहुंची, जो कि चूड़ी जुड़ाई का कार्य करती है। उसके घर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने उस महिला से बात की, उसके बच्चों के कपड़े फोल्ड किए और यहां तक कि चूड़ी जुड़ाई का काम भी सीखा और चाय पानी भी पिया। आज प्रियंका गांधी ने उस महिला के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, महिला के लिए एक गर्म कार्डिगन, तीन बच्चों के लिए गर्म कपड़े, एक कंबल, एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग, किचन का सामान, कढ़ाई, कुकर, चकला बेलन, प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच, स्टील के, यह काफी सामान महिला सितारा देवी को फिरोजाबाद कांग्रेस के एक प्रतिमंडल से भिजवाया और प्रतिनिधि मंडल ने उनके घर वह सामान देने पहुंचा, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी, कांग्रेस की शशि शर्मा, प्रतिमा पाल, पंडित उमेश चंद शर्मा के साथ साथ अन्य कांग्रेसी भी मौजूद थे। वहीं इतना सारा सामान पाकर महिला सितारा और उनका परिवार काफी खुश है। सभी ने मिलकर यह नारा भी लगाया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सितारा सितारा जी, कल क्या हुआ? कल बहन जी आई और पहले हम उनसे नमस्कार करें, फिर बिन्ने आई कहीं क्या होता है। मैंने कहा चूड़ी के काम होते हैं, करीब क्या रुपये मिलते हैं बहन जी से? मैंने कहा 3 रुपये मिलते हैं, खाली इतने में गुजारे है जाती। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे करने पड़ते हैं काम धंधे, तो काम नहीं करेंगे तो कैसे पेटी रोजगार चलेगा? फिर गरीब सही है, काम तो करने पड़ेगा। फिर मैंने सिलेंडर के बारे में कहीं 1 रुपये मिलते हैं, कहीं 1000 रुपये मिलते हैं, कड़ुआ तेल 200 रुपये किलो है, अब कैसे खर्चा चलेगा? अब तो काम धंधे तो करना ही पड़ेगा। आएगी गुड़िया तुम्हारी? आ गई, आ गई, आई भी आ गई। फिर बेटियों के बारे में पूछे कि तुम्हारे क्या बच्चे हैं? मेरे के लिए 3 लड़कियां हैं, बड़ी का गुड़िया नाम है, छोटी की बेबी है, तीसरे नंबर के गोलू है। और बस इतने कहे बिने कहीं मेरे गाँव कुछ ध्यान करो, यानी आपकी बहन जी बू है तो करेंगे हम लोग, काय को पीछे लौटे, तुम्हारी करेंगे हम। ये आपने चाय बनाई थी? हाँ हाँ, चाय बनाई थी। पहले एक गिलास पानी पिया थोड़ा से बामे, फिर चाय बनाए, चाय पिए मेरे संग, थोड़ा एक मिनट तक छोटे काम भी किए थे। करने नहीं आता है, तुम कैसे कर लेती? मैंने कह लिया अब करना तो पड़ता है, मजबूरी में मुझे काम बोलो। कहीं जी तो बात सही कह रही है बहन जी, बस फिर नमस्कार करें, फिर बाहर कुछ दो चार बात। आज 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 सारे लोग आपके घर आए हैं? हाँ हाँ, मुझे मोबाइल दिए, कपड़े लत्ते दिए, किचन के सामान दिए बहन जी ने, और बच्चन के भी कपड़े दिए और मोबाइल टच के भी दिया है बिन्ने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहन जी के बारे में, मुझे तो मिलेगा बहुत खुशी की बात है रही है। क्या क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी के लिए? हम तो अपने तरफ से हम बहन जी के तो कुछ अब पूरा प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे बहन जी, हमारे जीते भैया सब लोग को करो, हमें जैसे कर रहे हैं सबको करें बहन जी। क्या कहती है बहन जी, क्या उनका स्लोगन है? बहन को जी है कि हमाओं को कुछ वोट वोट डालो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मुझे बैसलेट भी दिए, मेरे बच्चन की तो डर देंगे, डरे तो है वक्त सही डरे होंगे, कहूँ जो खोने के मारे बेर बेर बिहार है सबने डर दिए उठा के बिन के निशानी। देखिए हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी फिरोजाबाद जब सिरसागंज के कार्यक्रम में आई थी तो वो फिरोजाबाद के चूड़ी के कारोबार से जुड़ी हुई महिलाओं की दशा खुद देखना चाहती थी, उनसे वो स्वयं मिलना चाहती थी और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। तो वो सिरसागंज के रास्ते में उनका कार्यक्रम बना और यहाँ नगला तुरकिया में सितारा देवी जी के यहाँ श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई और इनसे मिली, यहाँ और लोगों से भी उन्होंने संवाद किया। फिर प्रियंका गांधी जी ने सितारा देवी जी और उनके परिवारजनों के लिए कुछ उपहार भेजे, जो हम लोग फिरोजाबाद के कांग्रेस जन उनको प्रियंका गांधी जी की तरफ से पहुँचाने आए। इसमें मोबाइल फ़ोन है बच्चों के लिए और सितारा जी के लिए, कपड़े हैं, कंबल है, घर के सामान हैं, बर्तन हैं, ये तमाम चीज़ें उपहार स्वरूप प्रियंका गांधी जी ने भेजी हैं और सितारा देवी जी को मोबाइल फ़ोन भी भेजा है, जिससे कि उनके यहाँ से सीधा उनसे संपर्क जब वो चाहें तब हो सके। इसके पीछे संदेश एक ही है
कि महिलाओं की स्थिति के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं की बराबरी राजनीति में भागीदारी बराबर की हो, इसके लिए प्रियंका जी ने एक मुहिम छेड़ी है, जंग छेड़ी है, नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या नारा दिया है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो उसी के तहत आके मिलना है और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हम लोग ये उपहार देने आए हैं, ये हम लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।